Assalamualaikum dear students, today the topic of the is what is आयन. अच्छा जी, आयन के बारे में क्या कहते हैं. आयन में आपको सिंपली एक्सप्लेन कर दूं कि कोई भी स्पीशीज जब अपना कोई भी एटम या मेटल जो होती है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है या फिर गेन करती है अपना इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए, उस चीज़ को उस दौरान जो चीज़ बनती है लूज होने से पॉजिटिव आयन बनता है उसको हम पॉजिटिव आयन कहते हैं, और गेन करने से नेगेटिव आयन बनता है इस चीज़ को हम आयन कहते हैं. कोई भी चीज़ जब हम लूज़ करते हैं या फिर हम नहीं सॉरी मेटल जो लूज़ करती है या गेन करती है उसको हम आयन कहते हैं. ठीक, उसके बाद पीरियाडिक टेबल क्या होता है. पीरियाडिक टेबल मैं आपको बताती हूँ कि अरेंजमेंट ऑफ एटम एलिमेंट्स एलिमेंट्स को एक टेबल पे अरेंज करना. ज़ाहिर सी बात है 100 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं. अब उनको डिस्प्ले करना, खास वैसे उन्होंने क्या कर दिया जी, एक पीरियाडिक टेबल सेट कर दिया. पीरियाडिक टेबल में क्या होता है, इसमें जिन रोज़ भी हैं ग्रुप्स भी हैं. ग्रुप्स क्या होते हैं और रोज़ क्या होते हैं. ग्रुप्स जो होती हैं जो क्या होती हैं, हॉरिजेंटल जो लाइन्स होती हैं इस पीरियाडिक टेबल में, ये आपको नज़र आ रहा है ये हॉरिजेंटल लाइन जो है ये क्या है, पीरियड्स हैं. और ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है, ग्रुप्स हैं. और कितने ग्रुप्स हैं, यहाँ पे 7 ग्रुप्स हैं. और रोज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 और 6 रोज़ हैं. ठीक है, और ये जो zigzag अरेंजमेंट है ये किसको डिफ्रेंशिएट करती है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को. उसके अलावा यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कैसे इनको अरेंज किया जा गया है. ये पहले मतलब नंबर ऑफ शेल के लिए हाइड्रोजन को ये बिल्कुल यहाँ पे होता है हीलियम के सामने, या फिर इसकी कोई पोजीशन वो रिकमेंड नहीं की हुई की भी. पहले जो है उसमें दो हीलियम नंबर 2 तक है, फिर आगे से लिथियम से स्टार्ट होता है, क्योंकि पहला जो शेल होता है उसमें आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दूसरा यहाँ पे जाके कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाला शेल कंप्लीट हो जाता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, फिर तीसरा शेल वहाँ से स्टार्ट हो जाता है. इस तरह से इनकी डिवीजन हुई हुई है. और आगे क्या है जी, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो हैं इनको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं, क्योंकि ये बड़े रिएक्टिव होते हैं और इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली दे सकते हैं. ग्रुप 7 ये है, ग्रुप 7 इनको हम हैलोजेंस कहते हैं, और ये भी वेरी रिएक्टिव होती हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ताकि अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर सके, तो इस वजह से ये वेरी रिएक्टिव होते हैं. उसके अलावा ग्रुप 8 को जो है हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं. ये किससे रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इनका जो ऑर्बिट होता है वो कम्प्लीट होता है. और आगे एटम मॉलिक्यूलर केमिकल फार्मूला क्या होता है. एटम मॉलिक्यूलर केमिकल फार्मूला, एवरी एलिमेंट जो होता है उसमें क्या होता है, एक टाइप के एटम्स होते हैं. जब ये एटम कंबाइन होते हैं, एक से ज़्यादा मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है, और आगे है केमिकल फार्मूला क्या होता है. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड कम इन डिफरेंट शेप, कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट शेप्स में आते हैं. ठीक है, उनको हम एटॉमिक डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडल्स के जरिए या फिर केमिकल फार्मूला के जरिए. केमिकल फार्मूला हमें क्या होता है, नंबर्स और उसके टाइप्स ऑफ एटम के बारे में बताता है. इसमें कितने टाइप्स के एटम प्रेजेंट है इसको इस मॉलिक्यूल में. जैसे ये देखें, ये किसका है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है. यह बताता है कि हाइड्रोजन क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम हैं टुगेदर होकर वो क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं. और ये हाइड्रोजन गैस है H2 से. ठीक है, और कहते हैं आउटर शेल नोबल गैसेस का जो आउट, पीछे भी मैंने आपको बताया कि उनका जो आउटर शेल होता है वो कंप्लीट होता है, वो इजीली लूज या गेन इलेक्ट्रॉन नहीं करता, जिस मीन द एटम कैन नॉट जॉइन टुगेदर, सो मॉलिक्यूल कैन जस्ट वन एटम, वो अपने मॉलिक्यूल को लूज या गेन नहीं करते. अब अगर हम सेल्फ असेसमेंट को देखें तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पे राइट डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. अब आपने ये पीछे पीरियाडिक टेबल देखना है, ये ग्रुप नंबर ऊपर मेंशन है, और उसमें से देखना है कि कार्बन कहाँ पे प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, कि आपका अपना काम है, मैंने आपको बता दिया. उसके बाद दूसरा है, वेयर इन द पीरियाडिक टेबल डू यू फाइंड द प्रीसियस मेटल सिल्वर एंड प्लेटिन. ये भी आपने पीरियाडिक टेबल से ढूंढ के लिखनी है और बताना है कि ये कौन से रो में प्रेजेंट है, रो नंबर काउंट करके बताना है कि ये यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, पीछे पीरियाडिक टेबल से देख के आपको सारा कुछ मिल जाएगा. तीसरा है, राइट डाउन द नेम ऑफ एलिमेंट हैविंग दिस सिंबल इन इन एलिमेंट्स के नाम लिखने. अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ. पी भी क्या होता है, लेड. एस एन क्या होता है, स्ट्रॉन्शियम. डब्ल्यू क्या होता है, टंगस्टन. के पोटेशियम, फास्फोरस एंड मरकरी. ये आपका काम है, इसको अच्छे से नोटबुक पर लिखना है और ये पीछे से रीडिंग अच्छे से करनी है और मुझे आकर चेक करवाना है. अल्लाह हाफिज़.